Welcome students, today we are going to start the chapter 1 of unit 2. हमने पहले chapter 3 start किया था business communication and business letters. तो उसी के continuation की series में हम लोग अब chapter 1 start करेंगे copying. और copying इसलिए important chapter है क्योंकि जो business letters हम लोग लिखते हैं, जो business letters हम लोग receive करते हैं, जिन business letters का हम reply करते हैं, उसकी एक कम्युनिकेशन चेन बनती है. उस कम्युनिकेशन को और उस बिजनेस लेटर्स की कॉपीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और वो कॉपीज क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, उनका क्या इस्तेमाल होता है, उससे क्या फायदे होते हैं और क्या क्या मेथड्स होते हैं कॉपीइंग के, उनको हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं. कॉपीइंग को हिंदी भाषा में, साधारण हिंदी भाषा में नकल करना बोलते हैं. बट अगर आप नकल करना बोलेंगे तो एक काफी नेगेटिव सेंस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है कि ये नकल करना क्या है. तो अगर बहुत शुद्ध हिंदी में आप बात करेंगे तो प्रतिलिपिकरण बोला जाता है इसको. प्रतिलिपि का मतलब होता है डुप्लीकेट कॉपी या एक कॉपी बनाना. तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे कॉपीइंग की जाती है, कॉपीज बनाई जाती हैं बिजनेस लेटर्स की. आखिर क्या पर्पस होता है, क्या एडवांटेजेस होते हैं, व्हाई कॉपीइंग, व्हाट इज कॉपीइंग, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं. तो जो भी लेटर्स बिजनेस हाउसेस एक दूसरे को लिखते हैं या एक दूसरे के लिखे हुए लेटर्स के रिप्लाई में जवाब देते हैं, उन लेटर्स को बहुत संभाल कर केयरफुली प्रिजर्व करके रखना बहुत जरूरी होता है. तो ऐसा होता है कि एक लेटर आपने लिखा मान लीजिए, और उस लेटर को लिखने के बाद उसकी एक कॉपी आप अपने पास रख लेंगे. एक ओरिजिनल आपने दूसरे बिजनेस पार्टी को भेज दी और उसकी एक ओरिजिनल की एक फोटो कॉपी, कार्बन कॉपी या कोई एक कॉपी अपने पास रख ली, और वो रिकॉर्ड्स के पर्पस से, फ्यूचर रेफरेंस के पर्पस से आप अपने पास रख लेते हैं. तो जब भी कोई लेटर भेजा जाता है उससे पहले ये इंश्योर किया जाता है कि इस लेटर की एक कॉपी हमारे पास रहे. तो जो ओरिजिनल लेटर होता है, जो बिल्कुल सही करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सही बनाया हुआ लेटर है, उसकी एक कॉपी जरूर इंश्योर की जाती है कि बिजनेस हाउस अपने पास रख ले, ताकि फ्यूचर में जब कभी इस लेटर की जरूरत पड़े, कोई ऐसी स्थिति पैदा हो कि हमें लेटर लिखना पड़े किसी को, या हमें किसी लेटर से रिलेटेड कोई फैक्ट पुराना रिमाइंड करना पड़े किसी को, कोई ऐसी चीज सिचुएशन पैदा हो, तो उसमें जो है हम लोगों को वो जो लेटर की कॉपी है वो हेल्प करे. तो किस किस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं कॉपी करने के. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज फ्यूचर रेफरेंसेस. जैसा कि मैंने बताया, भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस कॉपी को इस्तेमाल किया जा सकता है, इस लेटर को इस्तेमाल किया जाता है, किया जा सकता है कि ये लेटर मैंने आपको भेजा था लिख करके, या फिर ये लेटर मैंने आपसे रिसीव किया था. इस तरीके से आप टेक्निकली लेटर्स का यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर रेफरेंस. देखिए, एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये हो सकती है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है दो बिजनेस पार्टीज के बीच में, तो ये जो रिकॉर्डेड लेटर्स होते हैं, जो लेटर्स की कॉपीज होती हैं, इनको कोर्ट में भी पुटअप किया जा सकता है, राइट? डिस्प्यूट के केस में, इंटरनल डिस्प्यूट के केस में, एक बिजनेस पार्टी दूसरी बिजनेस पार्टी को रिमाइंड करने के लिए कि देखिए इस लेटर में मैंने ये टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी थी, या ये चीज मैंने लिखा था, या किसी को रिमाइंडर देने के लिए एक पुराने लेटर का इस्तेमाल बिजनेस हाउस कर सकता है. तो उसके पर्पस से कॉपी होना बहुत जरूरी है. इसके अलावा सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, मैंने एक और इंपॉर्टेंट वर्ड आपको बताया कि इसके लिए भी कॉपीइंग होना, कॉपी ऑफ द लेटर्स या कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड्स होना बहुत जरूरी है. तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लेटर्स, चाहे इंटरनल लेटर्स हों चाहे एक्सटर्नल नेचर के लेटर्स हों, मैंने आपको कम्युनिकेशन में बताया था इंटरनल और एक्सटर्नल लेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि हर किसी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स्ड हों, राइट? और किसी भी सूरत में किस आदमी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वो लेटर्स और रिकॉर्ड्स ही इंडिकेट करते हैं कि इन दिस सिचुएशन दिस पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल, इन दिस सिचुएशन दिस पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल. जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोसीजर सेटअप करती है, और प्रोसीजर सेटअप करने के बाद वो बोलती है कि ये आदमी इस पर्टिकुलर चीज को अप्रूव करेगा, या ये आदमी इस पर्टिकुलर चीज के लेटर को रिसीव करेगा फॉर एग्जाम्पल, या उस लेटर का रिप्लाई करेगा. इस चीज का ऑफिशियली एक रिकॉर्ड होना चाहिए, उस रिकॉर्ड की एक कॉपी मैनेजमेंट के पास ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, जिससे जब जरूरत पड़ती है
तो उस रिकॉर्ड को रेफर किया जा सके, उस कॉपी को रेफर किया जा सके रिकॉर्ड के, डॉक्यूमेंट के, पॉलिसी के, प्रोसीजर के, और देखा जा सके कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आंसरिंग दिस लेटर, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू रिसीव दिस लेटर, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक एक्शन ऑन दिस लेटर। ठीक है, बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब आप एक दूसरे को, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग इस सेमेस्टर में ऑर्डर लेटर्स और इंक्वायरी लेटर्स पढ़ेंगे, तो इंक्वायरी और ऑर्डर लेटर्स की बात ये होती है कि जिसमें पूछा जाता है कि इतनी क्वांटिटी का ये टाइप का मटेरियल इस डेट तक अवेलेबल है या नहीं है। अगर हम जवाब देते हैं कि यस इट विल बी अवेलेबल, तो आपको एक ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, बायर की तरफ से एक ऑर्डर आएगा कि प्लीज डिलीवर 500 पेयर्स ऑफ शूज फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं, बाय सो एंड सो डेट एट द रेट दिस, मॉडल नंबर इज दिस। तो अब आपको जो है, देखिए इनवॉइस प्रिपरेशन के लिए जब आप ऑर्डर को फुलफिल करेंगे, जब आप जवाब देंगे कि हाँ भाई ये हम आपको ऑर्डर भेज रहे हैं, 500 जोड़ी जूते मॉडल नंबर 40, उसका रेट ये है, ये साइजेस हैं और ये हम आपको भेज रहे हैं, तब आप इनवॉइस बनाने में जो पुराना लेटर था उसको यूज करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंक्वायरी लेटर के जवाब में जब आपने रिप्लाई भेजा होगा तो आपने एक रेट कोट किया होगा, उस रेट पर ही उस बिजनेसमैन ने एग्री किया कि वो आपसे वो 500 पेयर्स ऑफ शूज खरीदेगा। So in that condition, the reply to the inquiry letter is very important because you have to take the rate that you have mentioned in that letter. But अब मान लीजिए आपने अपने पास कॉपी रखी नहीं, तो क्या आप उस बिजनेस हाउस को दोबारा बोलेंगे कि मेरे को पिछले लेटर की कॉपी दिखाइए, बताइए, या फोन करके बताइए क्या रेट मैंने कोट किया था? You should have the copy in your office to quote the same rate that you have quoted for 500 shoes so that you can prepare an invoice. Invoice का मतलब वो बिल, वो फाइनल कॉपी जो आप ऑर्डर के साथ भेजेंगे और उसमें वो एक्सेप्टेंस आएगी। प्रूफ इन कोर्ट, ये मैं आपको बता चुका हूं, डिस्प्यूट के केस में, लीगल प्रोसीडिंग्स के केस में या किसी और तरीके के कोर्ट के मैटर में जो ये रिटन लेटर्स, रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, इनकी कॉपीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैसे भी रिटन लेटर्स और रिटन रिकॉर्ड्स, रिटन डॉक्यूमेंटेशन की बहुत अहमियत है ओरल के कंपैरिजन में। बातचीत करी हुई चीज अगर रिकॉर्डेड है वो, या अगर रिटन है वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर उसकी कॉपीज आपके पास हैं तो आप उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल होती है रिटन प्रिंटेड डॉक्यूमेंटेशन लेटर्स रिकॉर्ड्स, राइट। रिपीटेशन ऑफ ऑर्डर्स, देखिए ऐसा होता है कि कई बार आप किसी से सामान खरीदते हैं, मान लीजिए आप बायर हैं और कोई वेंडर है जो आपको सामान बेचता है। मान लीजिए आपका रूटीन है कि एवरी सेकेंड मंथ यू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 200 यूनिट्स एट द रेट फॉर एग्जांपल 10 रुपीस पर यूनिट, किसी को ऑर्डर आपको हर महीने प्लेस करना है, तो आपके पास अगर पुराने ऑर्डर की एक कॉपी होगी तो आपको हर महीने नया लेटर बनाने की जरूरत नहीं है, पुराने लेटर से आप यूज करेंगे, खाली नंबर्स और डेट्स चेंज करेंगे। आज की डेट में कंप्यूटर यूज होता है, इट इज नॉट अ पेन और इंक बेस्ड वर्किंग, स्टेशनरी बेस्ड वर्किंग दीज डेज, इट इज ऑल कंप्यूटर बेस्ड वर्किंग। छोटी दुकानों से लेकर बड़े ऑर्गेनाइजेशन सब जगह कंप्यूटर्स हैं, नेटवर्क्ड हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड बहुत सारी ऑर्डरिंग होती है। तो आपको सिर्फ पुराने की कॉपी उठानी है, उसमें डेट्स चेंज करनी है और प्रिंट करके नया लेटर निकालना है, उसकी एक कॉपी कंप्यूटर में सेव्ड है, आपने दूसरी कॉपी जो हार्ड कॉपी है वो ऑर्डर के लेटर की तरह भेज दी और एक ईमेल कर दी। तो आपके पास एक सॉफ्ट कॉपी भी है और एक हार्ड कॉपी भी है। यू वांट टू टेक अ प्रिंट आउट, यू कैन टेक अ प्रिंट आउट, इट कैन बिकम अ फिजिकल हार्ड कॉपी, आपके कंप्यूटर में आपकी सॉफ्ट कॉपी सेव्ड है। डिजिटल सिग्नेचर्स आते हैं आज की डेट में, कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होते हैं, सॉफ्टवेयर के साथ, और आपको साइन करने की भी निकाल के जरूरत नहीं है। अंटिल अनलेस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेटर, इट्स एन ऑर्डर जिसमें बिना हार्ड कॉपी सिग्नेचर के वो ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, जो ऑथराइज्ड परचेज मैनेजर है या जनरल मैनेजर परचेज है या जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट है, वो उस डिपार्टमेंट का हेड है, उसके साइन के बगैर ऑर्डर वैलिड नहीं है, तो वो फिर ऑर्डर लेटर प्रिंट करके उसको साइन करते हैं एंड स्टैम्प करते हैं। तो ये जो है रिपीटेशन ऑफ ऑर्डर्स में हेल्पफुल होता है। दूसरा, जो रिटन रिकॉर्ड्स, रिटन लेटर्स होते हैं इंटरनल, खासतौर पर इंटरनल जेट मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, उसका अगर रिटन रिकॉर्ड आपके पास है तो बहुत हेल्पफुल होता है कि आपको पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज बनाने में बहुत मदद करता है, जिससे कि एम्प्लॉयज के काम करने में आसानी हो। पॉलिसीज क्या है? जनरल गाइडलाइंस है कि बिहेवियरली और टेक्निकली आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से काम करना है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू
इट्स ऑब्जेक्टिव्स आगे बढ़े. तो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की जनरल गाइडलाइंस होती है पॉलिसीज. तो जितने रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं एम्प्लॉई एंड मैनेजमेंट के बीच में कॉन्वर्जेशन के रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं मैनेजमेंट को पॉलिसीज असर्टन करने में, बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में. बेसिस ऑफ फॉलो अप एक्शन, पुराने रिकॉर्ड्स हैं, पुराने लेटर्स हैं, वो अगर आपको मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 30 दिन के बाद पेमेंट लेना है तो 25वें 27वें दिन यू वॉन्ट टू राइट अ रिमाइंडर लेटर, तो आप वो रिमाइंडर लेटर लिख सकते हैं. किसकी मदद से? पुराने रिकॉर्ड, पुराने लेटर के हेल्प से आप वो चीज कलेक्शन ऑफ ड्यूज के लिए कर सकते हैं. और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस तरीके के लेटर की कॉपीज या कम्युनिकेशन की कॉपीज रखने से मिलती है. जैसे कि मान लीजिए आपने एक लेटर लिखा, उस लेटर के साथ अपना एक पैम्फलेट लगा दिया कि हम ये सामान, किसी ने आपसे इंक्वायरी करी कि आप ये शूज बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, तो बताइए. तो आपने उन बैग्स के साथ में एक पैम्फलेट लगा के भेज दिया कि अदर डिटेल्स आर आल्सो इनक्लोज्ड इन द पैम्फलेट. तो आप जूते और बैग्स के अलावा और क्या क्या सामान बनाते हैं उसका एक पैम्फलेट उनके पास भेज सकते हैं. तो लेटर्स की कॉपी रखने से आपको ये फायदा होता है कि आपको पता रहता है कि आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन बायर के साथ शेयर की है. तो ये कॉपीज रखने की बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं. ये फायदे भी हैं एक तरीके से कि ये चीज आप कॉपिंग के थ्रू, लेटर्स की कॉपी रखने से या कॉपिंग प्रोसेस को फॉलो करने से आपको ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं, ये एडवांटेजेस होते हैं, और इससे आपको आपके बिजनेस हाउस को एफिशिएंटली रन करने में बहुत आसानी होती है, बहुत फायदा होता है, बहुत एफिशिएंटली इन टाइम और बहुत सही टाइम से आप अपने कामों को, अपने जो असाइनमेंट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, उनको कंप्लीट कर सकते हैं और दूसरों से मिलने वाले ऑर्डर्स और उनके पेमेंट्स जो हैं उनको आसानी से रिसीव कर सकते हैं और दूसरों को पेमेंट्स टाइमली कर सकते हैं इफ यू हैव द कॉपी ऑफ दीज रिकॉर्ड्स. अब मैं एक दो चीजें मेंशन कर दूं कि ये जो बुक के अंदर कॉपिंग का चैप्टर है ये बहुत पुराना चैप्टर है, ठीक है, कम से कम 10 से 15 या 20 साल पुराना चैप्टर है, जिसके अंदर एक जमाने में जो उस वक्त पेन और इंक यूज होते थे और ज्यादातर लेटर्स हाथ से लिखे जाते थे या टाइपराइटर पे टाइप होते थे, तो उस पर्सपेक्टिव से इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है. लेकिन जब मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन कर रहा हूं तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अब हम लोग कंप्यूटराइज्ड एरा में आ गए हैं. नॉट जस्ट कंप्यूटराइज्ड एरा, वी आर इन द एरा ऑफ एडवांस्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आप किसी भी चीज को कम्युनिकेट करने में कुछ सेकेंड्स लेते हैं. जैसे पुराने जमाने में, आज से मैं अगर 20 साल पहले जाऊं तो एक पीले रंग का पोस्ट कार्ड आता था, एक नीले रंग का लेटर का लिफाफा आता था, पता नहीं आप लोगों ने देखा है भी है कि नहीं देखा है, उसमें लोग लिखा करते थे चीजें और एक दूसरे को भेजते थे. टुडे व्हाट वी डू, वी पिक अप अ फोन, वी जस्ट राइट हाय ऑन व्हाट्सएप एंड इट इज सेंट टू योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नियर एंड डियर वंस. इट हैज बिकम सो इजी, लाइटनिंग फास्ट स्पीड पर कम्युनिकेशन हो रहा है. Similarly, when you talk about copying is absolutely computer based these days. There is nothing like that a copy is away from a computer. In very large scale organizations, सारी चीजें integrated हैं. कुछ भी चीज जो है वो, अगर आपको एक बिल बनाना है तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में बेस्ड है. आपने किसको ऑर्डर प्लेस किया, कितनी यूनिट्स कैसी, वो अपने आप रीड करेगा सिस्टम, प्रोक्योरमेंट सिस्टम से वो बिलिंग सिस्टम में आ जाएगा, बिल अपने आप ड्राफ्ट बन जाएगा, मैं चीजें चेक करूंगा कि अच्छा सही आदमी का नाम लिखा है जिससे पेमेंट लेनी है, सही सारी डिटेल्स लिखी हैं, यही चीज ऑर्डर में भी थी, यही चीजें सब हैं, आपने देख लिया अच्छा मटेरियल जा रहा है, टक आपने बटन दबाया, प्रिंट हो गया, प्रिंट के साथ में एक मेल चली गई, मेल किसको चली गई, जिसके नाम पर बिल है उसको बिल पहुंच गया, सामान पहुंचने से पहले कि ये सामान आपके पास पहुंच रहा है इसका बिल ये. उसके बाद आपने हार्ड कॉपी तीन निकाली, एक की बजाय तीन प्रिंट, कंप्यूटर से प्रिंटर कनेक्टेड है, तीन प्रिंट आउट्स निकाले, एक ट्रक वाले को दिया, एक आपने अपनी फाइल में डाला और एक आपने ट्रक वाले को दिया कि ये जो रिसीव करेगा उसको आप पकड़ा दीजिए. दिस इज द वे नाउ कॉपीइंग इज हैपनिंग. आपने अपने लिए भी और आपके कंप्यूटर में, आपके सॉफ्टवेयर में वो कॉपी ऑटोमेटिकली सेव हो गई कि ये इनवॉइस. अब उसके अंदर इतनी कॉपिंग की देखिए इतनी फैसिलिटी है आज के डेट में, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग बेस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है उसकी इतनी सहूलियत है कि जो बिल आपके अंदर सेव हुआ है, मान लीजिए उसकी पेमेंट 30th दिसंबर को आनी है, तो 28th दिसंबर को आपके सिस्टम में अपने आप एक अलर्ट आ जाएगा, एक रिमाइंडर आ जाएगा कि जी
यू हैव अ कलेक्शन ड्यू ऑन 30th of December 2020, तो आप 29 को या 28 को एक रिमाइंडर डाल सकते हैं द अदर बिजनेस पार्टी को, जो बायर था, कि भाई आपने हमसे इतना सामान, इतना ऑर्डर लिया था, खरीदा था, इसकी पेमेंट कल ड्यू है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं उसके साथ, बहुत पुराना वेंडर है आपका, तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज उसके परचेज मैनेजर को कर दीजिए। दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन वी हैव कम ऑफ एज। जबकि जो 20 साल पहले जब भी किताब लिखी गई थी, तो शायद हम लोग टाइपराइटर पे, और टाइपराइटर पे भी कैसे करते थे, टाइपराइटर पे व्हाइट पेपर लगाते थे, उसके पीछे एक कार्बन कॉपी लगाते थे, उसके पीछे एक व्हाइट पेपर लगाते थे, और तब टाइप करते थे। तो जो मेन कॉपी टाइप होती थी, उसके पीछे जो कार्बन कॉपी लगी होती थी, उस कार्बन कॉपी को हम अपने रिकॉर्ड में रखते थे, और वो जो मेन कॉपी होती थी वो ट्रक ड्राइवर लेके जाता था, और जो परचेजर है उसके स्टोर पे छोड़ता था और उसको बिल देता था। सो इट वॉज टाइम कॉन्स्ट्रेंट था तब, कि जब तक वो ट्रक ड्राइवर वहां पहुंच करके बिल नहीं पकड़ा देगा और वहां से फोन नहीं आ जाएगा, टेलीफोन नहीं आ जाएगा, टेलीफोन मोबाइल भी नहीं होता था कि हाँ मेरे को आपका सामान मिल गया है, तब तक मैं यहाँ बैठा रहता था वेट करने के लिए। आज की डेट में द मटेरियल इज रिसीव्ड, यू गेट अ व्हाट्सएप मैसेज, यू गेट एन ईमेल दैट यस मटेरियल रिसीव, वी विल मेक द पेमेंट ऑन 30th December 2020। इतना तेज और इतना टाइम का डिफरेंस आ गया है, टेक्नोलॉजी का डिफरेंस आ गया है, इम्प्लीमेंटेशन का डिफरेंस आ गया है, बट कॉपिंग अभी भी है, कॉन्सेप्ट अभी भी कॉपिंग का है, उतना ही इंपॉर्टेंट है, एडवांटेजेस वही है, लेकिन सिस्टम चेंज हो गए हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से टाइम सेव हो गया है, एफिशिएंसी बहुत हाई हो गई है, और जिन चीजों पर बहुत टाइम पहले वेस्ट होता था, वो टाइम वेस्ट नहीं होता। कि मुझे मान लीजिए आगरा से दिल्ली सामान पहुंचाना है, तो मैं अगले दिन सुबह तक वेट करता था कि मुझे टेलीफोन आएगा। और मतलब मैं उस जमाने की भी आपको बात बताना चाहूंगा, जब STD कॉल्स इतनी फ्री नहीं होती थी, अब तो मोबाइल हो गए हैं। पहले क्या होता था कि आप सुबह जाते थे, टेलीफोन बूथ से कॉल लगाते थे एक्सचेंज में, और वहां बोलते थे कि ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर मेरी कॉल बुक कर दीजिए शाम को 4 बजे की फलाना फलाना आदमी के साथ, क्योंकि मैं आगरा से दिल्ली, भोपाल या जयपुर या हैदराबाद या बेंगलोर फोन करना चाहता हूँ। लोकल सिटी के अंदर तो कॉल लग जाती थी, लोकल कॉल्स बोलते थे उसको, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस की जो कॉल होती थी विद इन द कंट्री, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो वो आपको बुक करनी पड़ती थी। दैट वॉज कॉल्ड सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, STD बोला जाता था। आपको ये वर्ड भी नहीं पता होंगे, इंटरनेशनल कॉल्स को बोला जाता था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डायलिंग, ISD। तो ये तो किस्सा ही खत्म हो गया, मोबाइल फोन ने इन सारी चीजों को रिप्लेस कर डाला, और बहुत महंगी कॉल्स होती थी। एक एक मिनट की कॉल जो है वो 10-10, 15-15 रुपए की कॉल हो जाती थी, और बहुत कॉस्टली कॉल्स होती थी। सो दैट वॉज द सिचुएशन ऑफ 1990s, 80s, 90s और 2000 तक आते आते। बट सिंस मोबाइल फोन केम अप इनटू द पब्लिक डोमेन अराउंड 2006-07, और उसके बाद धीरे धीरे करके 2010 के बाद, तो आप समझिए जैसे कि मोबाइल रिवॉल्यूशन आ गया इस कंट्री के अंदर। सो टुडे द सिचुएशन इज दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन द मोबाइल, वी डू नॉट इवन नो व्हाट इज अ टेलीफोन। टेलीफोन बहुत कम लोगों को जानकारी है, बहुत कम लोगों के घरों में टेलीफोन है, और हार्डली, पहले टेलीफोन होना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एक एग्जाम्पल होता था, मोबाइल फोन होना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एग्जाम्पल है। तो मैं इसलिए ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, कॉन्सेप्ट वही है। यू नीड टू मेंटेन कॉपीज इन योर कंप्यूटर डेटाबेस। कंप्यूटर के अंदर आपको कॉपी बना के रखनी है, बिकॉज वो कॉपी यूज होगी फ्यूचर में। और अब कंप्यूटर और उसके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ऐसे डिजाइंड हैं कि कॉपी आपके पास जब जनरेट होगी, आपके पास आएगी, तो उसकी कॉपी वो अपने आप स्टोर करेगा आपके पास, राइट? तो इस तरह से बहुत सारी अलग अलग तरीके से ईमेल से कॉपी क्रिएट हो जाती है। जैसे आपके सिस्टम में एक कॉपी है, आपने किसी को ईमेल भेजी, तो ईमेल में अटैचमेंट लगा के आपने भेजा, तो एक कॉपी ईमेल में चली गई, तो आपके पास टिपिकली 2 कॉपीज हो गई। अगर आपको अपने सिस्टम की कॉपी नहीं मिल रही है, तो आप ईमेल में ढूंढिए, आपको कॉपी मिल जाएगी, राइट? तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो कॉपीइंग के अंदर अब होने लगी है। तो आज के टाइम में जो एडवांटेजेस हैं, वो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की है। Now, what are the characteristics of a good copying method? एक ideal copying method क्या हो सकता है, जिसके उसके क्या features हो सकते हैं, क्या सबसे बढ़िया तरीका है copying का? वो तरीका choose करने के लिए आपको देखना होगा कि उसके method के अंदर क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। सबसे important
सिंप्लिसिटी होनी चाहिए सिस्टम के अंदर। जो भी कॉपिंग मेथड आपके पास है, देखिए जो कंप्यूटर का भी कॉपिंग मेथड है, बहुत अलग अलग तरीके के कंप्यूटर में कॉपिंग मेथड आते हैं, तो सिंपलेस्ट कॉपिंग मेथड क्या है? तो देखिए, एक मैं मेरे हिसाब से द सिंपलेस्ट कॉपिंग मेथड इन अ कंप्यूटर इज यूजिंग अ कीबोर्ड कमांड कॉल्ड कंट्रोल सी कंट्रोल वी। कंट्रोल सी का मतलब होता है कट या कॉपी, और कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट। तो कंप्यूटर के अंदर अगर आपके पास एक फाइल है, आप उसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो एक कॉपी बना देगा उसकी, राइट? ऐसे ही कोई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, उसको सेलेक्ट करिए, कोई वर्ड का पोर्शन सेलेक्ट करिए, कोई पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करिए, कहीं और ले जाकर के पेस्ट कर दीजिए, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन दूसरे वर्ड डॉक्यूमेंट पर या नोटपैड पर कॉपी हो जाती है। तो इस तरीके का सिंपल सिस्टम अगर आपके पास है, जैसे सेव एज, कॉपी बनी हुई है आपके पास, वर्ड डॉक्यूमेंट, पीपीटी बनी हुई है, एक्सेल बनी हुई है, उसको आप सेव एज करिए फाइल में जाकर के सेव एज, तो आपको एक कॉपी और बनाने का ऑप्शन दे देगा। और आप अलग अलग नाम से वो कॉपी बना सकते हैं, अलग अलग वर्जन बना सकते हैं, तो ये फैसिलिटी कॉपिंग के अंदर, कंप्यूटर के अंदर कॉपिंग की है। तो ये सिंप्लिसिटी दिखाता है कि कितनी आसानी से किसी को समझ में आने वाली चीज है। तो किसी भी बूढ़े आदमी को, जवान आदमी को, मिडिल एज्ड आदमी को, लड़के लड़की, कोई भी बहुत आसानी से कंट्रोल वी और कंट्रोल सी कॉपी पेस्ट की कमांड जो है बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और बहुत आसानी से उस पर काम कर सकते हैं। दूसरा फीचर होना चाहिए नीट एंड क्लीन। देखिए, कॉपिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप एक ओरिजिनल रिकॉर्ड की दूसरी कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, तो साफ सुथरी, समझ में आने लायक, लेजिबल। लेकिन ये पुराने जमाने में हैंडराइटिंग रिलेटेड होता था कि जब आप हैंडराइटिंग में लिख रहे हैं तो ओवरराइटिंग, कटिंग, मिस्टेक्स नहीं करें। तो देखिए, कंप्यूटर के अंदर तो ये चीजें वैसे ही बहुत आराम से अवॉइड हो जाती हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर डिलीट, ब्लैक स्पेस का ऑप्शन होता है। कोई गलत चीज आप लिख देते हैं तो बाद में जाकर के उसको हटा सकते हैं। ड्यूरिंग राइटिंग भी आप एडिट कर सकते हैं, एडिटिंग के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, अंडू कर सकते हैं, राइट, डिलीट करके अंडू कर सकते हैं, बहुत सारी एडिटिंग के ऑप्शन ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग होते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर हमेशा जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भी होती है, बिल्स बनते हैं, लेटर्स बनते हैं, तो ड्राफ्ट होता है पहले, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बेस्ड लेटर्स होते हैं उसमें पहले ड्राफ्ट होता है। तो आप ड्राफ्ट के अंदर जितना कुछ करना चाहें कर लीजिए, जब वो फाइनल कॉपी आप उसकी बनाएंगे तब जाकर के वो लेटर के फॉर्मेट में सेव हो जाएगी, और फिर आप उसको किसी को भेजने के लिए भेज सकते हैं वाया ईमेल, और उसको प्रिंट कर सकते हैं ओवर द प्रिंटर। तो ड्राफ्ट है आप कुछ भी है, भेजने से पहले भी आप उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक कंप्यूटर के अंदर एक बहुत अच्छी खूबसूरत चीज ये भी होती है कि आप स्पेल चेक कर सकते हैं, वर्ड्स का काउंट लगा सकते हैं, राइट, और बहुत सारे और ऑर्डरली चेक्स रख सकते हैं कि भाई इस पैराग्राफ में मुझे केवल डिजिट्स ही चाहिए, इसमें केवल वर्ड्स ही चाहिए, राइट। और जब सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होती है, जो कि बिल बनाने के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, तो इन सॉफ्टवेयर्स में भी एक बहुत खूबसूरत बात चीज, जो इंटरनल कंट्रोल लगा हुआ होता है उनके अंदर, वो इस तरीके का होता है कि जैसे आपको किसी जगह डिजिट्स में लिखना है तो आप वहां कोई और चीज लिखना चाहेंगे तो वहां टाइप नहीं होगी, एरर दिखा देगा, एरर कोड दिखा देगा। जहां पर आपको वर्ड्स में कोई चीज लिखनी है, एबीसीडी लेटर्स लिखने हैं, वहां पर आप जाकर के अगर डिजिट 1 2 3 टाइप करना चाहेंगे तो एरर दिखा देगा। इस तरीके का इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म कंप्यूटर के अंदर कॉपिंग के लिए बना हुआ है, जो कि बहुत हेल्पफुल है हम लोगों के लिए। ठीक, टाइम सेविंग, थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल फीचर ऑफ कॉपिंग इज कि जब आप कॉपी क्रिएट कर रहे हैं या कॉपी बना रहे हैं तो टाइम सेव होना चाहिए। और देखिए, कंप्यूटर के अंदर कॉपिंग, मैं बार बार कंप्यूटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब हैंड रिटन या और दूसरे मेथड से कॉपिंग बहुत पुरानी हो चुकी है, नहीं होती है 99% जगहों पर, कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आप कॉपिंग कंप्यूटर से यूज करते हैं तो वहां पर तो वैसे ही बहुत बड़ी सुविधा है कि आप सेव कर लीजिए डॉक्यूमेंट को अपने सिस्टम में कहीं पर भी एक फोल्डर के अंदर, तो कॉपी वैसे ही क्रिएट हो जाती है। उसके बाद आप उसको ईमेल करिए, प्रिंटआउट निकाल करके लेटर भेजिए, आपके पास कंप्यूटर में सेव्ड है। और अगर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग बेस्ड कोई डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, लेटर्स बन रहे हैं, बिल्स बन रहे हैं, इनवॉइसेस बन रहे हैं, लेटर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं और उसके बाद ईमेल हो रहे हैं, तो वहां पर तो वैसे ही एक कॉपी बनाने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, फॉर्मेटिंग, प्री फॉर्मेटेड लेटर्स होते हैं उसमें और ईमेल के साथ मर्ज कर दिए जाते हैं, जिससे आपको केवल एक बटन दबाना है और वो ईमेल में अपने आप वो लेटर चला जाता है। तो कॉपिंग
time saving is most important, and computer has become that answer to save the time of people who are involved in typing letters or preparing letters or making bills, etc. Economical, देखिए बहुत important point ये है कि कोई भी copying का system, कोई भी copying का method सस्ता होना चाहिए, economical होना चाहिए, but robust होना चाहिए, changeable होना चाहिए, flexible होना चाहिए, और computer आज की date में वो चीज है. मैंने जब flexible, robust और economical बोला तो देखिए विंडोज प्लेटफॉर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल विंडोज सब लोग जो अपने कंप्यूटर्स यूज करते हैं घरों में आजकल, जो भी लोग कंप्यूटर्स यूज करते हैं वो लोग विंडोज यूज करते होंगे. फोल्डर्स दिखते हैं स्क्रीन के ऊपर बने हुए, राइट, वर्ड डॉक्यूमेंट और एक्सेल और पावर पॉइंट, ऐसी चीजें इस्तेमाल में आती हैं. तो ये कुछ टूल्स क्या हैं अगर आप ध्यान से देखें तो, ये टूल्स विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने विंडोज करके एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है आपको. विंडोज क्या होता है, खिड़की में देखना, तो अगर आप कंप्यूटर को देखेंगे तो एक विंडो की तरह दिखाई देती है, इसलिए उसका नाम विंडोज रखा गया ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए कि अच्छा विंडोज का मतलब कंप्यूटर की खिड़की, इस तरह से, मतलब इन अ वेरी सॉफ्ट सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज. और वो आसानी से उपलब्ध है, कम कॉस्ट पर उपलब्ध है, आसानी से आप विंडोज के वर्जन खरीद सकते हैं, लाइसेंसेस खरीद सकते हैं, वर्ड का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं उसको खरीद करके, तो सस्ता भी है और लंबा भी चलता है, और इसके वर्जन्स अपग्रेड होते हैं तो हेल्प भी करती है ऑर्गेनाइजेशन कि आपके वर्जन्स अपग्रेड हो जाए. कंप्लीट एंड फुल प्रूफ कॉपी, देखिए जब आप कोई भी कॉपी बनाएं तो ये अगेन बहुत पुराने जमाने का पॉइंट लिखा हुआ है इसके अंदर कि फुल प्रूफ कॉपी. कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी जगहों पे आपने देखा है कि फर्जी बिल बन जाते हैं, फर्जी टिकट्स बन जाते हैं बहुत आसानी से. आप रेलवे का टिकट फॉर एग्जांपल, तो आप गूगल में सर्च करिए रेलवे टिकट, तो खूब सारे रेलवे टिकट सैंपल निकल आएंगे. आप उसकी कोई भी फोटो बना करके उसका एक टिकट टाइप करके अपने ऑफिस में दे दीजिए कि जी मैं तो रेलवे का सफर करके आया हूँ. बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि प्रूफिंग होनी चाहिए कि वो टिकट असली है कि नकली है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब आप कॉपी बनाए तो उस जैसे कंप्यूटर के अंदर ही कॉपी स्टोर हो रही है, तो प्रूफिंग होनी चाहिए कि जो ओरिजिनल कॉपी है और जो आपकी कंप्यूटर के अंदर सेव्ड कॉपी है वो दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लेटर आपने लिखा है, जो टाइप किया है, वो लेटर चला गया, उसके बाद आपने अपने कंप्यूटर में जाके फिर से लेटर में कुछ चेंज करके सेव कर लिया, तो जो लेटर गया उसके अंदर आपने कुछ मेंशन किया नहीं है और यहां मेंशन कर रखा है लेटर के चले जाने के बाद, तो ये नहीं होना चाहिए, प्रूफिंग होनी चाहिए. तो इसलिए सॉफ्टवेयर बेस्ड लेटर्स जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. वर्जन कंट्रोल होता है उसके अंदर कि अच्छा वर्जन एक के अंदर ये लेटर था, वर्जन दो के अंदर हमने ये चेंजेस किए, तीन के अंदर हम ये चेंजेस किए, तो हम ट्रेस कर सकते हैं कि जो लेटर भेजा गया था वो कौन से वर्जन का था और जो लेटर हमारे पास सेव है वो कौन से वर्जन का है. ठीक है, डिजायर्ड नंबर ऑफ कॉपीज, देखिए ये भी बहुत पुराना मेथड, जिस जमाने में फोटोकॉपियर बहुत पॉपुलर होता था या फिर और जो पुरानी मशीन्स होती थी जिसमें फॉर एग्जांपल कार्बन कॉपी से हम कॉपीइंग करते थे, तो उन चीजों के अंदर जो है टारगेट होता था कि भाई इतनी कॉपीज इस लेटर की या इस बिल की या इस डॉक्यूमेंट की मुझको चाहिए. तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि टाइपराइटर बहुत फेमस हुआ करता था लेट 90s में, तो टाइपराइटर में पहले एक वाइट पेपर, उसके पीछे एक ब्लू कार्बन, फिर एक व्हाइट पेपर, फिर एक ब्लू कार्बन, फिर एक व्हाइट पेपर, तीन कॉपीज अगर आपको निकालनी है तो डिजायर्ड नंबर ऑफ कॉपीज, तो ऐसा कॉपिंग सिस्टम होना चाहिए, तो टाइपराइटर होना चाहिए जहां पर तीन कॉपीज चाहिए आपको, वहां टाइपराइटर चलेगा, दो कॉपीज है टाइपराइटर चलेगा. हाथ से आप लेटर लिख रहे हैं तो दो कॉपीज होनी चाहिए कि नीचे आपने एक कार्बन पेपर रख के कॉपी लिख करके ऊपर लेटर हाथ से लिख दिया, साइन कर दिया, स्टैम्प कर दिया और कार्बन हटाया तो नीचे आपके वो पूरा का पूरा लेटर. बट लेकिन नीटनेस, क्लीनलीनेस कई बार कार्बन पेपर में गड़बड़ हो जाती है, और कार्बन पेपर में आप लोग, पता नहीं आप लोगों ने कभी कार्बन पेपर देखा है कि नहीं, वो एक साइड फिल्म होती है और दूसरी साइड ब्लू या ब्लैक कलर का कार्बन प्रिंट होता है, उसको आप व्हाइट पेपर के ऊपर रखकर उल्टा और ऊपर उसके लिखते चले जाएंगे तो उसकी जो फिल्म है वो एग्जैक्टली उन वर्ड्स को नीचे कॉपी करती चली जाती है. तो आप ऊपर लिख देंगे पूरा पेपर तो नीचे वो ब्लैक कलर का कार्बन होगा तो ब्लैक कॉपी निकल आएगी ब्लू कलर का कार्बन, लेकिन वो कार्बन प्रिंट होता है
तो चिपकता है पेपर से जब आप हटाएंगे तो कई बार वो ब्लू प्रिंट थोड़ा थोड़ा छोड़ देता है, तो कई वर्ड्स क्लियर नहीं होते। तो इसलिए जो है उस जमाने में इस तरीके की टेक्निक्स यूज होती थी। और डिजायर्ड नंबर ऑफ कॉपीज के बारे में भी चर्चा होती थी कंप्यूटर के अंदर, तो आप एक कॉपी रखिए, आपको उससे 100 कॉपीज निकालनी है 100 निकालिए, कंप्यूटर से निकालनी है कंप्यूटर निकालिए, 100 लोगों को ईमेल करना है ईमेल करिए, व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप करिए, दैट इज योर चॉइस। लेस लेबर कंज्यूमिंग, देखिए तो कंप्यूटर ने तो लेबर को एक तरीके से रिप्लेस कर दिया है। मैं हाथ से एक लेटर कॉपी करूं या एक लेटर को कंप्यूटर पर टाइप करूं, उसकी बजाय प्री फॉर्मेटेड लेटर मेरे पास है, कॉलम्स बने हुए हैं, खाली मेरे को और ये देखना है कि किसको लेटर भेजना है, उसका नाम टाइप कर दिया, लैंग्वेज टाइप कर दी, सिग्नेचर्स विग्नेचर्स के लिए स्पेस बना हुआ है अपने आप, प्रिंट निकाला, जिस जो अथॉरिटी है उसके पास ले गए, उसने साइन कर दिया। लेट मी मेक इट वेरी सिंपल। और अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम्ड लेटर है तो उसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना होता, उसमें तो लैंग्वेज भी पूरी लिखी हुई होती है, आपको जस्ट ये देखना होता है किसको जाना है लेटर, तो उसका नाम वहां पर फीड कर दिया, क्या अमाउंट्स हैं, क्या चीज है, क्या ऑर्डर लेटर है तो ऑर्डर किसका कितना कितना लिखना है, उनके स्पेसेस आपने भर दिए, सिग्नेचर्स किसके नाम डालने हैं, कौन सा परचेज मैनेजर है, सब कुछ प्री फेड होता है सिस्टम के अंदर। तो अगर अच्छा परचेज मैनेजर का है तो आपने परचेज मैनेजर के नाम पे क्लिक कर दिया, उसका नाम नीचे आ जाएगा, उसके बाद आपने कमांड दी जनरेट लेटर, तो लेटर जनरेट होकर के सीधे परचेज मैनेजर के पास पहुंच जाएगा, परचेज मैनेजर कहेगा ओके आई एम हैप्पी विद इट अप्रूव्ड, तो अप्रूव होकर के वो प्रिंटिंग क्यू में चला जाएगा, वहां से प्रिंट होकर के आ जाएगा, उसको साइन कर दिया, प्रिंटर पे रखा, स्कैन करके वापस सिस्टम में ले लिया और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ने उसको मेल मर्ज करके मेल भेज दिया, किसको, जिसको ऑर्डर जाना है, वेंडर को ऑर्डर भेज दिया आपने कि भैया इतना सामान मेरे को भेज दिया जाए, और वो क्योंकि वो स्कैन लेटर है तो उसमें सिग्नेचर विग्नेचर स्टैंप और सारी चीजें उसमें लिखी हुई है, ऑर्डर चला गया, वहां से रिप्लाई आ गया, आपके कंप्यूटर के अंदर सेव हो गया, बिल उसके हिसाब से जो है आपके पास आ जाएगा, आप बिल को फाइनेंस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दीजिए, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग बेस्ड है, बिल की कॉपी वहां पहुंची, उन्होंने बिल के लिए टाइमलाइन सेट कर दी कि 34 तारीख को मुझे बिल पे करना है, इसका इनवॉइस आ गया है, ये आदमी को पे करना है, आपने 29 को सब चीजें तैयार कर ली, चेक पे करना है तो चेक प्रिंटिंग मशीन आती है, आपने फटाफट चेक की डिटेल्स डाल करके और चेक लगा दिया प्रिंटर के अंदर, कमांड मारी, प्रिंट होकर के आ गया, कितना अमाउंट वर्ड्स में डिजिट्स में किसको पे होना है, और वो लेटर मैंने भेज दिया फाइनेंस मैनेजर को, उसने साइन किया, एंड देन यू नो वो लेटर मैंने बिल के साथ लगा करके पोस्ट कर दिया या छुड़वा दिया, अगर पास में ही ऑर्गेनाइजेशन तो किसी आदमी के थ्रू मैंने उनके ऑफिस पहुंचा दिया कि ये रहा आपका पेमेंट। दिस इज हाउ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्रामिंग इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कॉपिंग। तो कॉपीज कैसे जनरेट होती है, एक कॉपी से इतना फायदा होता है, तो लेबर कितना कम कंज्यूम हो रहा है ये देखने की बात। अब देखिए कई सारे मेथड्स कॉपिंग के हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें बुक के अंदर बहुत सारे कॉपिंग के मेथड्स हैं जो आज से कम 40 साल पुराने हैं, 30 35 40 साल पुराने, मैं उन्हें नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बता दूंगा कि ये बहुत पुराने हैं, इनका कोई क्वेश्चन मैं पेपर में नहीं दूंगा, इनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मैं पेपर में नहीं मांगूंगा, जो चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं, इस रिकॉर्डिंग में ऑडियो में डिस्कस कर रहा हूं, केवल वही चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए और इसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए। तो अब आपको मैंने आज कॉपिंग शुरू करवा दिया है, जो बिजनेस लेटर है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट कॉपिंग को भी हमको साथ में पढ़ना है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, और कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज उसको आप लोग पोस्ट करिए गूगल क्लासरूम में। थैंक यू।